क्वेश्चन नंबर 5.7 में टोटल टू पार्ट्स हैं, आइए वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करें। ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1.5 जूल पर टेस्ला लाइज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.22 टेस्ला। हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है यदि एक बार मैग्नेट जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट 1.5 जूल पर टेस्ला है वह एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.22 टेस्ला के साथ अलाइंड है। अलाइंड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में एंगल 0 डिग्री है। क्वेश्चन के ए पार्ट में हमें यह बताना है कि एक्सटर्नल टॉर्क को कितना वर्क रिक्वायर्ड होगा ताकि हम इस बार मैग्नेट को इस तरह अलाइन करें कि उसकी मैग्नेटिक मोमेंट फर्स्ट पार्ट में नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन हो जाए और सेकेंड पार्ट में अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन हो जाए। और क्वेश्चन के बी पार्ट में हमें यह बताना है इन दोनों ही केसेस में बार मैग्नेट के ऊपर कितना टॉर्क लगेगा। आइए अब हम सॉल्यूशन को समझें। जैसा कि हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.22 टेस्ला, हमें बार मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है 1.5 जूल पर टेस्ला। पहले हमें यह भी गिवन है कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट में एंगल 0 डिग्री है, इसलिए थीटा 1 हमारे पास आ गया 0 डिग्री। क्वेश्चन के ए पार्ट में हमें मैग्नेट को इस तरह से अलाइन करना है कि मैग्नेटिक मोमेंट और फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री बन जाए, इसलिए हमारे पास थीटा 2 आ गया 90 डिग्री। हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बार मैग्नेट को मूव कराने के लिए वर्क डन की एक्सप्रेशन पता है। वर्क डन होता है -mb cos थीटा 2 -cos थीटा 1। यहां पे हम थीटा 2 की वैल्यू पुट करेंगे और थीटा 1 की वैल्यू पुट करेंगे। m हमारे पास था 1.5, बी हमारे पास था 0.22, तो हमारे पास यह एक्सप्रेशन सोल्व होके आ जाएगी 0.33 जूल। आइए अब इसका सेकंड पार्ट सोल्व करें। सेकंड पार्ट में हमसे यह पूछा गया है कि मैग्नेट इस तरह से रोटेट की गई कि अब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 180 डिग्री है, मींस दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आइए हम सॉल्यूशन को समझें। जैसा कि हमें स्टार्टिंग में गिवन है कि बार मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अलाइंड है, अलाइंड का मतलब 0 डिग्री पे है। बाद में हम इसे रोटेट करके अपोजिट टू फील्ड कर रहे हैं, मतलब कि थीटा 2 हमारे पास 180 डिग्री आ गया। वर्क डन की एक्सप्रेशन हमें पता है W = -mb cos θ2 - cos θ1। हमारे पास यहाँ m की वैल्यू हमें गिवन है 1.5, b की वैल्यू हमें गिवन है 0.22, थीटा 2 हमें 180 डिग्री गिवन है और थीटा 1 हमें 0 डिग्री गिवन है। कोस 180 -1 होता है, यह -1 और -1 -2 बन जाएगा। सोल्व करके हमें मिलेगा 0.66 जूल। आइए अब हम बी पार्ट को सोल्व करें। बी पार्ट में हमें टॉर्क फाइंड करना है। केस फर्स्ट, जब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 डिग्री है, मींस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमारे पास टॉर्क की एक्सप्रेशन होती है टाउ इज इक्वल टू mb साइन थीटा। m की वैल्यू हमारे पास है 1.5, b की वैल्यू हमारे पास है 0.22, थीटा हमारे पास है 90 डिग्री। जब हम यहाँ पर 1.5 इंटू 0.22 इंटू साइन 90 होता है 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.33 न्यूटन मीटर। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है कि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 180 है, बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो एंगल हमारे पास है 180 डिग्री। टॉर्क की एक्सप्रेशन होती है टाउ इज इक्वल टू mb साइन थीटा। यहाँ पर m, b और साइन 180 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0, बिकॉज साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। थैंक यू वेरी मच।